Bismillahir Rahmanir Rahim. First year, today we are going to have the lecture number 7. In last lecture we are done with the 5 questions. Today we are going to deal with the question number 10.6. In question number 10.6, if a person looking through a telescope at the full moon, a telescope which is used to visualize the distant object, अगर वो टेलीस्कोप से फुल मून देख रहा है, हाउ वुड द अपीयरेंस ऑफ द मून बी चेंज्ड, कि उसकी अपीयरेंस मून की चेंज कैसे होगी, बाय कवरिंग हाफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस को हम हाफ कवर कर दें, सो द मून विल अपीयर फुल, मून जो है वो उतना ही फुल अपीयर होगा, बट दैट ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस, उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम. व्हाई? बिकॉज जो टेलीस्कोप है वो कवर्ड कर दी गई है किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, इसलिए इंटेंसिटी लाइट की रिड्यूस्ड होगी है. जितनी लाइट की इंटेंसिटी रिड्यूस्ड हुई है उतनी ही ब्राइटनेस कम हो गई है. सो जो अपेरेंस है वो फुल होगी, बट द ब्राइटनेस विल बी रिड्यूस्ड. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10.6. Now come to the question 10.7. A magnifying glass आपको पता है convex lens होता है. Magnifying glass gives a 5 times enlarged image at a distance of 25 centimeter. यानी for example you are considering this object 1 centimeter, तो enlarged image 5 times कितना बनेगा, 5 centimeter. And that image is formed at the distance of 25 centimeter. Find by the ray diagram the focal length of the lens. हमने इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो फाइंड करनी है. जब रे डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे यू विल सी दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस एंड दैट पॉइंट इज 6.2 सेंटीमीटर. सो दैट विल बी द एक्चुअल फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस. सो क्वेश्चन नंबर 10.8 में यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं इधर, इसलिए मैं आंसर मेंशन करने जा रहा हूँ. इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कल इसको रिपीट किया जा सकता है. आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, मैं उसका आंसर दोबारा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 10.8 में जो पहला पार्ट है उसका जो करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी फॉर बॉल. एंड द पार्ट टू जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. 10.9 पे आ जाए. 10.9 में कह रहा है ड्रॉ द स्केचेस शोइंग द डिफरेंट लाइट पाथ्स थ्रू अ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर. के स्केच बनाना है कि जब लाइट पास होगी सिंगल मोड से या मल्टी मोड से, तो एक तो चीज़ ये बतानी है पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में. सेकेंडली वाइज सिंगल मोड इज प्रेफर्ड इन टेली कम्युनिकेशन, कि हम टेली कम्युनिकेशन में सिंगल मोड क्यों प्रेफर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द सिंगल मोड इन दिस, इन विच देर इज इन साइड देर इज अ कोर. इस केस में जो कोर होगा दैट विल बी वेरी थिन एंड ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 माइक्रोमीटर उसका डायामीटर होगा. एंड वी गॉट द क्लैडिंग. क्लैडिंग जो है वो उसके क्लैडिंग आउटर सरफेस है और कोर दैट विल बी इनर सरफेस. कोर हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन एंड द क्लैडिंग हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू. कोर का डाया बहुत स्मॉल होता है एंड दिस पिक्चर इज फॉर द मल्टी मोड डायामीटर और इसमें से लाइट पास करेगी. बताना है ये है कि वाई वी आर प्रेफरिंग द सिंगल मोड. कीप इट इन माइंड कि जो सिंगल मोड है उसमें हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं. इट मीन कि जो हमें सिंगल वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड कर रहा है. सिंगल वेवलेंथ मीन आइदर दैट विल बी रेड, आइदर दैट विल बी ब्लू, आइदर दैट विल बी ग्रीन. वो एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट होगी. लेकिन जब हम मल्टी मोड की बात करते हैं दैट कंटेन्स मोर देन नॉन क्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं. ऑब्वियसली बात है कि नॉन क्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसमें जो हर लाइट की वेवलेंथ होगी वो डिफरेंट होगी और उसकी डिस्पर्शन यानी बेंडिंग एंगल, डिस्पर्शन एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. तो वो एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन लॉस होती है. सो फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस हम प्रेफर करते हैं सिंगल मोड. सिंगल मोड को हम प्रेफर करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
10.10 how the light signal is transmitted through the optical fiber. कि optical fiber से हम light signal को कैसे transmit कर सकते हैं. Signal is transmitted through the optical fiber using two phenomena. The first one is total internal reflection and the second one is continuous reflection. We have studied the both the phenomena. If you have any concern, then you can recall the lecture, my previous lecture, lecture number 6 and 5. In the lecture number 5 and 6, we have discussed about these two phenomena. तो ये दो ऐसे methods हैं जिनको use करते हुए हम light को एक point से दूसरे point तक क्या करवाते हैं, travel करवाते हैं. Question number 10.11 how the power is lost in optical fiber through dispersion. कि हम power loss को कैसे power loss होती है optical fiber में dispersion से. Recall monochromatic and single mode and multi mode fiber. In single mode we use monochromatic light जिसमें dispersion नहीं होती है और power loss भी नहीं होता. But when you are considering the multi mode and using the white light source या वो non-chromatic source of light होगा, then there will be different wavelengths और हर wavelength की dispersion different होगी, angle of dispersion different होगा, जिसकी वजह से information क्या हो सकती है, loss हो सकती है. So this was all about the exercise. We are done with the exercise. Tomorrow we will start inshallah the numerical problems. If you got any question, put that question on the WhatsApp. I am going to answer that. Thank you very much and Allah Hafiz.